देखिये अगिल्ला कह भी रहे हैं वह इले ही उसी की तरफ युर्जाऊन लौटाए जाओगे वो लौटाए जाएंगे उसी की तरफ यर जाऊन है आपने यर जाऊन का लफ्स पढ़ा तो यहां यरजाउन हो गया क्या फर्क है पेश का बिल्कुल जबुद और पेश का फर्क है मखूम में क्या फर्क आया एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस शाबाश यर जाऊन वो लौटते हैं युर्जाउन वो लौटाए जाएंगे एक्टिव वॉइस, वॉइस का फर्क अल्लाह यही फरमा रहे हैं। कि तुम लोग दुनिया में जो अख्तियार दिए गए हो वो इम्तिहान के लिए है फिर तुम मेरे पास आओगे और मैं फैसले करूंगा क्या करके आए लिहाजा अपनी आजादी को अपनी खुद मुख्तारी मत समझो ये मेरी मुशीयत है कुल कह दीजिए ए नबी कह दीजिए आमन्ना हम ईमान लाए कौन सा सीवा है ये जमा मुतकलम माजी या मुजारे माजी, माजी।, माजी। बिल्लाही अल्लाह पर ये देखेंगे लेंगे ये मुरक्बे जारी बे क्या है हर्फे जर। हर्फे जर। और अल्लाह साथ जुड़ गया बिल्लाही तो ये मुरकबे जारी हो गए अल्लाह पर वाह और मा जो ओंजिला उतारा गया अंजला ओनजिला वही एक्टिव वॉइस वॉइस दोनों जो है ना मुजारे हैं लेकिन आ, माजी है ये दोनों माजी है ठीक है लेकिन माजी की अनजला ओंजला दोनों माजी है लेकिन एक एक्टिव वॉइस है और दूसरा पैसिव वॉइस ये उन जो है ये पैसी वॉइस है और जो नाजिल किया गया हम पर कह दीजिए हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस कलाम पर जो हम पर उतारा गया कौन सा कलाम उतारा गया कुरान पर व माँ और जो ओं जिला उतारा गया अला इब्राहिमा व इसमा इसहाका व कलाम जो उतारा गया इब्राहिम पर और इस्माइल पर और इसहाक़ पर और याकूब पर असबाती और उसकी औलादों पर यानी याकूब की औलादें उसमें आपको पता है कि सलाम और बाद की अम्बिया आ जाते हैं वमा माँ और जो ऊतिया दिए गए मूसा व ईसा मूसा और ईसा सलाम वन नबी यूना और तमाम अम्बियाए रब रब्बिहिम अपने रब की तरफ से ला नहीं को हम फर्क करते ये फिर मुजारे आ गया मुजारे का मुतकल है हम फर्क करते हैं को और ला को हम फर्क नहीं करते हैं बैना मा बैन आहदिन किसी एक के मिनहुम उनमें से हम उनके मा बैन किसी में फर्क नहीं करते व नाहन लहू मुस्लिम और हम उसी के फर्मा बरदार हैं अब ये जो जो उन्होंने बनाया हुआ था यहूदियत को ही दीन मानने को राजी थे और इस्लाम को तस्लीम करने को राजी नहीं थे इसी बात पर यह बात हुई जब पिछली आयत में आई कि क्या तुम तो अल्लाह का दीन छोड़ के दूसरा दिन चाहते हो अब यहां अल्लाह फरमा रहे हैं कि वो अपने रस्ते पर कायम है ना तो फिर मुसलमान क्या करें उनसे कह दे उन्हें बता दे हम ईमान ला चुके हैं अल्लाह पर और उस किताब पर जो हम पर उतारी गई और उन तमाम किताबों पर ईमान लाए हैं जो इब्राहिम इसमाइल आल्लाम इसहाक़ याकूब और याकूब की औलाद में जितने आए उन सब पर उतरी ममा उतिया मूसा व ईसा और मूसा और ईसा की किताबों पर भी ये भी औलाद याकूब ही में से थे लेकिन इनका नाम खसूसियत से क्यों लिया गया क्योंकि इन दोनों अंबिया के दीन को बदल कर इस्लाम को बदल कर दो शक्लें बना ली गई ना यहूदियत और ईसाइत तो इसलिए कहा गया कि हम उस किताब पर ईमान लाते हैं जो मूसा अलैहि सलाम पर उतरी यानी तौरात पर तुम्हारी यहूदियत पर ईमान नहीं लाते और हम ईमान लाते हैं इन पर जो ईसा अलैहि सलाम पर उतरी और उस ईसाइत का इनकार करते हैं जिसे तुम लोगों ने बना रखा इसलिए खसूसियत से अलहदा नाम आ गया उनका हम मूसा और ईसा सलाम को नबी तो मानते हैं और हम उनकी लाई किताबों पर ईमान लाते हैं मगर तुम लोगों ने उनके नाम से जो फिरके बना रखे हैं हम उनका इनकार करते हैं हम उन्हें तस्लीम नहीं करते मफूम है वन नबी यू नबीम और जितने भी अम्बियाए कराम आए अब देखे ना यहाँ तो इब्राहिम सलाम से तस्करा शुरू हुआ तो एक खास नसल की अम्बिया का जिक्र आ गया ना लिहाजा यहाँ वजाहत कर दी गई जितने नबी आए आदम सलाम से लेकर रसूली अक्रम तक जितने नबी आए अब यहाँ पहले इब्राहिम सलाम की औलाद में आने वाले अंबिया का तस्करा इसलिए आया कि तीन वही पर मबनी दीन इस वक्त दुनिया में है और रसूल अक्रम अहद में भी तीन ही थे एक इस्लाम हमारा मजहब और एक यहूदियत ईसाइत अब तीनों का दावा था कि हम दीन इब्राहिमी पर है और तीनों ग्रोह इब्राहिम सलाम की औलाद में से आने वाले पैगंबरों ही के नक्श कदम पर चल रहे थे इसलिए उनका जरा तफसी तस्करा गया ठीक है उसके बाद वजाहत कर दी वन नबी रब और जितने भी नबी आए हमारे रब की तरफ से आदम सलाम से लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए हम सब पर ही मान ला चुके सब नबी सच्चे थे चाहे वो हिंदुस्तान में पैदा हुए हो या चीन में पैदा हुए हो या जापान में आए हों या स्कीमोस के माँ बहन आए हों उनके दरमियान भी तो नबी आएंगे अफ्रीका में नबी नहीं, है। है तो नहीं आए होंगे अफ्रीका दुनिया की कदीम तरीन तहजीब है ना तो उनमें नबी नहीं आए होंगे आए होंगे उसी जुबान को बोलते होंगे माया दुनिया की करीम तरीन और बेहतरीन तहजीब में से है तो क्या उनमें नहीं आए होंगे आए होंगे ना इसी तरह आप देखिए बहुत सारी तहजीबे हैं यूरोप की तरफ की और क्या खुद यूरोप में नहीं आए होंगे यूरोपियन ममालिक नहीं आए होंगे अमेरिका में नहीं आए होंगे ये कैसे हो सकता रेड इंडियंस की जो तहजीब है जिनसे अमेरिका लिया गया वो कितने कदीम लोग हैं तो क्या उनके मां बहन कभी कोई नबी नहीं आया होगा ये कैसे हो सकता है जो भी नबी आया जिस खत्ते में भी आए जिस जुबान में भी उन्होंने तालीम दी हम उन सब अम्बिया कराम पर ईमान ला चुके हैं लालफे को बेनादिमिन मिनहुम हम उनमें से किसी में फर्क नहीं करते फर्क इस तरह करना कि भाई इस सभी को नहीं मानते तो इसको मानते हैं। जैसा फर्क यहूद ने किया जो बनी इसराइल में से आएगा हम मानेंगे जो हमारी नस्ल से बाहर आएगा हम नहीं मानेंगे नहीं कोई भी रेस हो उसमें नबी जरूर आए दुनिया में कोई नस्ल नहीं गुजरी जिसमें अम्बिया कराम ना आए हो हर नस्ल में आए जितनी भी नस्लें दुनिया में गुजरी हम उन सब पर ही मान लाते हैं क्योंकि सब आदम की औलाद ये नस्लें कैसे बनी खितों में चले जाने की वजह से बाप का तो सबके एक हैं आदम सलाम अब आदम सलाम के बच्चे जो अफ्रीका में जाकर आबाद हुए वहां के गर्म मौसमों में जल जल कर वो काले हो गए उनकी शक्लें थोड़ी ऐसी हो गई जो यूरोप में जाकर आबाद हुए ठंडे खिते में रहकर वो सफेद हो गए जो चीन जैसे इलाकों में आकर आबाद हुए तो वहां की आबो हवा में रहकर वहां के खाने खाकर वो येलो रेन्स हो गए हम बरे सगीर जैसे मिस्र जैसे इलाकों में जो लोग आबाद हुए हम गंदम गुर रंगत के हो गए इसमें किसी का कोई जाति कमाल नहीं है सब एक ही बाप की औलाद है और सब एक ही रब की मखलूक है जिस भी कौम पर नबी आए हम बिला तफरीक नस्ल रंग इलाका हम सब पर ही मान लाते हैं हम उनमें नस्ल की बिना पर इलाके की बिना पर कौमियत की बिना पर कोई फर्क नहीं रखते वना लहू मुसलिमून और ये सब इसलिए है हम इन तमाम अम्बिया कराम की तस्दीक करते हैं हम इन तमाम किताबों की तस्दीक करते हैं इसलिए कि हम तो लहू मुसलिमून उसके फर्मा बरदार हैं हम अल्लाह के फर्मा बरदार है तो जब अल्लाह रब करीम की फर्मा बरदारी है तो फिर जिसको अल्लाह ने कहा मेरा नुमाइंदा है हम उस पर ही लाते हमें अल्लाह का हुक्म मानना है तो ये बात खारिजस बहस है कि अल्लाह ने किसको अपना नुमाइंदा मुकदर किया लिहाजा जिसको अपना नुमाइंदा मुकदर किया हम उन सब के उस उसदे को नबूवत को मानते हैं तस्लीम करते हैं हमें कोई मसला नहीं अब यहां एक लतीफ नुकता पता क्या है तुम अल्लाह के फर्मा बर्दाश नहीं हो तभी तुम ये बहस उठाते हो कि अल्लाह ने बनू इस्माइल में से नबी क्यों भेजा अगर तुम अल्लाह के फर्मा बर्दार हो तो तुम्हें सिर्फ नुमाइंदे की फर्मा बर्दारी ही करनी चाहिए जिसको अमीर बना दिया गया उसकी बात माननी चाहिए है ना तो अमीर कौन है असल में अम्बिया कर तो अब अमीर अल्लाह जिसको चाहे बना दे अगर तुम अल्लाह के फर्मा बर्दार हो तो बहस किस बात की और अगर तुम बहस कर रहे हो जैसा कि तुम का रहे हो क्या जी ये बनी इस्माइल में से आ गया हम नबी नहीं मानेंगे इसको तो इसका एक ही मतलब है कि तुम अल्लाह के फर्मा बरदार नहीं तुम अल्लाह की फर्मा बरदारी से बाहर हो बंदों के तो तुमने बहाने बना रखे लेकिन हम चूंकि अल्लाह के फर्मा बरदार हम उसके सामने झुक चुके हैं, हम मुस्लिम हैं, तो हम तमाम अंबिया की तस्दीक करते हम में जरूरत नहीं है कि हम किसी का इनकार करें ठीक है मोहमेन जो कोई यब तगी चाहे तलाश करे गैरा सिवाय अल इस्लामी इस्लाम के दीनन दीन जो कोई इस्लाम के सिवा कोई दीन तलाश करे फलन तो हरगिज़ नहीं फा हर्फ और लन हरफ नाफिया है इसका मतलब होता है नेवर युकबला कबूल किया जाएगा मिनहू उससे वो दीन हु की जमीर दीन की तरफ है जो कोई इस्लाम को छोड़कर कोई दीन तलाश कर ले तो उससे वो दीन कबूल नहीं किया जाएगा ठीक हो गया मैंने अभी अर्ज किया है कि इब्त का मतलब होता है कोशिश करके तलाश कर हाल यह तमन्ना तो नहीं करना कि जिसने कोशिश की एफर्ट किया आपको क्या लगता है कि इस्लाम मूसा लेकर आए तो उसके बाद यह ऐसे ही बन गई होगी नहीं उसमें बड़ी मेहनत आई होगी लोगों के जहन ख़राब करने में बहुत टाइम लगा होगा गबड़ी मनसूबा बंदियां हुई होंगी इसी तरह ईसाइत इस के मुतल तो मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया भी था कि कैसे इन लोगों ने उसको ख़राब किया मैन्यूपलेट किया हमारे दरमियान क्या फिर ऐसे ही पहन गए होंगे साहबत चुप करके तमाशा देखते रहे होंगे नहीं सजाएं भी मिली कई लोग इनमें से मारे भी गए जो बीच में मुनाफीन थे जो पकड़े गए जिनका जुर्म साबित हो गया सजा भी दिए गए लेकिन इन लोगों ने अपनी देशा दवाँ जारी रखी तब जाकर सदियों में ये लोग कामयाब हुए इस चीज में कि मुसलमानों में फिर पैदा कर सके ग्रोह बना सके दीन की शक्लें बदल सके गरोह बंदी असल में क्या है समझते हैं क्या है शक्लें जी दीन में अपनी मर्जी की चीजें पैदा करना जिसकी वजह से दीन की शक्ल बदलती जाए असल दीन पर रहेंगे तो गरोह तो हो ही नहीं सकता ये दीन में मुख्तलिफ शक्लें बनाने की वजह से फिर बनते दीन में तब्दीली बिल्कुल दीन में तब्दीली होती <स्थाथ> तब है, तभी ग्रोह बनते तभी फिरके बनते तो अल्लाह रब करीम के दीन को बदल कर कोशिश करके जिसने कोई दीन खड़ा कर भी लिया जैसे लोगों ने कर लिया यहूदियत बनाई ईसाइत बनाई आज हमारे दरम्यान फिरके हैं और मुसलमान होने की कोई अहमियत नहीं है फिर में होने की अहमियत है तो बना लिया उसने कोशिश करके एक शक्ल बना ली उसको कोई भी मसलक का नाम दे दिया या मजहब का नाम दे दिया या फिक का नाम दे दिया जो भी कर लिया अल्लाह फरमा रहे हैं फलैक मिनहू वो उससे कबूल नहीं होगा होगा कैसे कैसे पता चला एक तो आयत पढ़ रहे हैं दूसरा रिलेट करें कबर में जाने सवाल होने क्या सवाल है सबसे पहला रब्बू का <coughs> और दूसरा मारीनू का तो क्या जवाब है उसका अल इस्लाम. इस्लाम।, इस्लाम है ना अल इस्लाम तो वहां जाकर किसकी जुबान पर इस्लाम आएगा जो दुनिया में भी कहता होगा मेरा दिन इस्लाम है और मैं मुसलमान हूं अब जो कहते हैं जी मैं तो मैं मुसलमानों में आ जाए चले मैं देवबंदी मैं अल हदीस मैं बरेलवी मैं अत्तारी मैं कादरी मैं रिजवी मैं सोहर वर्दी मैं नक्शबंदी मेरी आलोलाद नक्शबंदी मेरे जद, अम, जद, अम, जद, अम नक्शबंदी अम नक्शबंदी मुसलमान कौन है है ना? यूं तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो फिर का बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं क्या जमाने में पनकने की यही बातें हैं तो कब्र में जाकर कहेंगे जी नक्शबंदी तो फरिश्ते सुनेंगे अच्छा कबर में आप वही जवाब देंगे जो आप दुनिया में देते हैं ये याद रखिएगा अहदीस से ये बात साबित होती है इंशाल्लाह जब आखिर पारों पे पहुंचेंगे ना फिर तफसील से हम कबर के अहवाल को भी डिस्कस करेंगे अहदीस की रोशनी अभी मैं मुख्तसर मुख्तसर नाप को अर्ज करती हूँ कि कबर में उठते हुए कैफियत ऐसी होगी जैसे कोई नींद से उठे ठीक है और बुरे हवास के साथ अपने सवालों का जवाब देंगे और हवास उसी अंदाज में काम करेंगे जैसे दुनिया में करते हैं तो जिसने अल्लाह को याद रखा होगा वो जवाब दे सकेगा अल्लाह रब्बी। और जिसने नहीं कभी सोचा ना रब को सोचा ना कभी जिक्र किया तो फिर उसको उस वक्त कुछ समझ नहीं आएगी क्या जवाब दे इसी तरह जो दुनिया में अपने आप को मुसलमान मानता है और इस्लाम को बहसिय दीन समझता है और इस्लाम के लिए भाग दौड़ कर रहा है उसी की जुबान से इस्लाम जारी होगा आल इस्लामुदीन इस्लाम मेरा दीन है। और जिसको दुनिया में सारी भाग दौड़ उसने लगाई हुई है अपने फिरके के पीछे अपने घरों के पीछे वो वही नाम लेगा और वो कब्र में ही कबूल नहीं होगा वो कब्र में ही कबूल नहीं होगा बाकी मरहले तो बात के आने हैं क्योंकि जो कब्र में सबसे पहला मरहला मरने के बाद कब्र काम जिसने कब्र में जवाब दे लिए तो आलम बरजख में तो बचत हो गई ना जिसने सवाल के जवाब दे लिए क्या होगा उसके साथ फरिश्ते उसे जहन्नम का ठिकाना दिखाएंगे और कहेंगे कि अगर तुम जवाब ना देते तो तुम्हारे लिए ये मकाम था जहन्नम का फिर उसे जन्नत का मकाम दिखाएंगे और कहेंगे अब तुमने जवाब दे लिए तुम्हारे लिए वो मकाम है जन्नत का अब तुम रेस्ट करो आराम से सो अब हम तुम्हें क्यामत के दिन उठाएंगे तो फिर उसे आलम बरसक से में शिफ्ट कर दिया जाता है और वो अली में आराम और सुकून के साथ कयामत तक सोया रहेगा तो है, तो रहा नहीं वहाँ और कुछ नहीं करना <laughs> नहीं जी वहाँ और कुछ नहीं करना वहाँ और कुछ नहीं करना इलीगिन में आपके लिए उस तरह जैसे जन्नत में जिंदगी है इलीगिन में उस तरह से जिंदगी नहीं है यानी कि रेस्ट है लिहाजा नींद की फिक्र ना करें वहां पूरी हो जाएगी नींद पूरी हो जाएगी देखिए बरजख का मतलब होता है पर्दा तो आलम बरज से मुराद है इस दुनिया से उस दुनिया में चले जाना जो पर्दे में है लफ्जी तौर पर तो उसमें सारी ही चीजें बाद लोग डालते हैं यह बहस है कि आजम बरज में क्या क्या शामिल है लेकिन बुनियादी तौर पर आलम बरसक है कब्र का अहवाल तो कब्र से तो शिफ्ट हो जाना कब्रों में नहीं रहना ठीक है कब्रों में नहीं रहना सिर्फ एक सवाल जवाब है उसके मुतल भी यकीनी नहीं है कि इसी कब्र में होगा जिसमें डाला गया या नहीं उसके बारे में भी बहस है क्योंकि तो हदीस से कोई साफ वजाहत नहीं मिलती तो कहते हैं इसी कबर में उठाकर सवाल होगा कहते हैं कि नहीं वो उठाया जाएगा तो लगेगा तो कि कबर में है मगर वो ये कबर मुराद नहीं होगी मगर इस बहस से कुछ हासिल नहीं है लेकिन ये याद रखें कि कबर से फौरन शिफ्ट कर दिया जाता सवाल ये चार हैं जिनका जवाब देते हैं। पहला सवाल दूसरा तीसरा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पूछा जाएगा कि तुम्हारे अहद में जो साहब आए थे तुम उनके बारे में क्या कहते हो तो तो ये पक्का तब जब यहाँ पक्का हो ये याद रखिएगा वाकईन पक्का है मोमिन के लिए इन सवालों का को जवाब को कोई मुश्किल नहीं है मगर जब मुंह से वही बात निकले दुनिया में दिल और जुबान से एक ही बात निकले तब और फिर चौथा सवाल क्या होगा कि कैसे पता चला सही सही कहा आपने कैसे पता चला जो जवाब रहा ना उससे फरिश्ते पढ़ा अल्लाह की किताब को पढ़ा और उसका यकीन किया वो कहेंगे तू सच क्या था फिर उसको उसका मकाम दिखाया जाएगा और जो जवाब नहीं देगा उसको क्या कहा जाएगा तू पढ़ के नहीं आया वो कहेगा क्या पढ़ के आता फरिश्ते मारेंगे फिर पूछेंगे तू पढ़ के नहीं आया वो फिर कहेगा क्या पढ़ के आता फिर फिर रिश्ते मारेंगे तो कुछ देर ऐसे ही चलेगा फिर उसके बाद उसे जन्नत का मकाम दिखाया जाएगा पहले वो देख तेरे लिए जन्नत का वो मकाम होता अगर तू जवाब देता लेकिन तू के चूंकि तू फेल हो गया तो तेरे लिए जहनुम का वो मकाम है और फिर उसे कब्र से सिद में शिफ्ट कर दिया जाएगा उसको सोना नहीं मिलेगा सोना नसीब नहीं होगा जी उसका इम्तिहान इमतिहान तो फेल हो गए ना शुरू गया। वहां सजा शुरू हो जाएगी जिसे आप अजाब कबर कहते हैं ठीक है शवाब कबर अजाब कबर उसी तरह हकीकत है जिस तरह क्यामत का आजाब और जहनुम का है तो इस पहले बरहले का इंहसार किस चीज पर है कुरान, पर, पर। कुरान के पढ़ने पर और सवालों के सही जवाब देने पर अब दूसरा सवाल ही आपका क्या है मादीन का तेरा दीन क्या है तो दुनिया में तय कर लीजिए आपका दीन क्या है कबर में इस्लाम के सिवा किसी नाम को कोई शनाख नहीं करता लिहाजा जो बड़े रोब और पखर से फरमाती हैं ना हम फलां सिलसिले के हैं और हम तो कादरी हैं और हम नस्ल दर नसल कादरी हैं। तो फिर कबर में भी यही फरमाएंगे कादरी और किसी कादरी मजहब को कबर वाले नहीं जानते वो सिर्फ एक मजहब को जानते एक दीन को जानते और वो है अल इस्लाम तो दुनिया में सवालों के जवाब जो देंगे आखिरत में वही जवाब देंगे ये याद रखिए अरबी जुबान